गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2, 3. सो दिस इज चैप्टर नंबर 1, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ. आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. स्टूडेंट्स, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू. सीपीयू की फुल फॉर्म बताएं. आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी वन इनपुट डिवाइस. किसी एक इनपुट डिवाइस का नाम बताना है, तो आंसर इज कीबोर्ड. यहां पर ध्यान रहे कि आप कीबोर्ड के अलावा किसी भी इनपुट डिवाइस का नेम लिख सकते हैं, जैसे माउस या फिर कीबोर्ड. क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? आंसर इज जॉयस्टिक. क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम एनी वन स्टोरेज डिवाइस. किसी भी एक स्टोरेज डिवाइस का नेम बताना है, आंसर इज पेन ड्राइव. तो स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस जो हमारी डेटा को स्टोर करे. यहाँ पर पेन ड्राइव के अलावा और भी डिवाइसेस हैं जिनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. तो इस तरह से हम मोस्ट पॉपुलर जो यूजेबल जो ड्राइव है, डिवाइस है, उसे हम यूज करते हैं पेन ड्राइव. यहाँ पर मैंने इसलिए आपको पेन ड्राइव लिखवाया हुआ है. अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में. व्हाट इज जॉयस्टिक? जॉयस्टिक क्या होता है बच्चों? आंसर इज जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए यूज करते हैं. तो अभी हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन किया था कि गेम खेलने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, तो वहां था जॉयस्टिक. यहाँ हमने जॉयस्टिक को ही पूछ लिया है कि जॉयस्टिक होता क्या है, तो इसे हमने थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया है. क्वेश्चन 2, व्हाट इज टच स्क्रीन? टच स्क्रीन क्या होता है बच्चों? अ टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा बाय सिंपली टचिंग द स्क्रीन. टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जो कि सिंपली स्क्रीन को टच करके हम डेटा एंटर कर सकते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज अ प्रिंटर? प्रिंटर क्या होता है? Write the names of different types of printers. और तरह तरह के जो printers हैं different types, वो भी हमें यहाँ पर उनके name लिखने होंगे. Answer is a printer is an output device which is used to take print out on a paper. Printer क्या होता है? एक output device होता है जिसे हम use करते हैं paper पर print out लेने के लिए. Its types are laser printer and inkjet printer. यहाँ दो तरह के printer हैं जिनके यहाँ पर टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? आंसर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. वेयर एज द सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स ऑन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जबकि वो सॉफ्टवेयर जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स को परफॉर्म कराने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 विंडोज 10 के बारे में. तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखें. गिव द फुल फॉर्म ऑफ GUI. GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द न्यू फीचर ऑफ विंडोज 10. विंडोज 10 का नया फीचर क्या है, उसका नेम लिखना है. आंसर इज कॉर्टाना. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज 10. आंसर इज डेस्कटॉप. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू व्यू ओपन विंडोज. अगर ओपन विंडोज हमारे सामने हैं तो उन्हें देखने के लिए
हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब से जो भी विंडोज ओपन है उन सभी को हम देख सकते हैं। विच ऑप्शन इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द टास्क बार? क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा ऑप्शन होता है जो कि टास्क बार के राइट साइड में लोकेट होता है? आंसर इज नोटिफिकेशन एरिया। यस, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पर टास्क बार है और इस टास्क बार पर राइट साइड में यहाँ नोटिफिकेशन एरिया दिया हुआ है जिस पर हम क्लिक करके यहाँ पर सारे ऑप्शन को मैनेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एन आइकन? आइकन क्या होता है? आंसर इज एन आइकन इज अ पिक्चर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन और अ फाइल। आइकन किसे कहते हैं बच्चों? आइकन कहते हैं एक एप्लीकेशन या फिर किसी फाइल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिक फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में, उसे आइकन कहा जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर ये सभी जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइकन्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिसाइकल बिन और जो भी फाइल नेम्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं तो इन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। ये भी आइकन्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन्हें सभी को आइकन्स कहा जाता है। ये ग्राफिक और पिक्चर एप्लीकेशन कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टास्क व्यू? टास्क व्यू क्या होता है? आंसर इज टास्क व्यू अलाउज यू टू क्विकली मूव विद इन योर ओपन विंडोज एंड एप्लीकेशन। टास्क व्यू क्या होता है? टास्क व्यू अलाउ करता है कि हम ओपन विंडोज और एप्लीकेशन में क्विकली मूव कर सकते हैं। देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोटिफिकेशन एरिया इन टास्क बार? टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया का क्या फंक्शन होता है, यानी क्या काम होता है, तो उसका यूज हम क्या करते हैं नोटिफिकेशन एरिया का? आंसर इज इट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन फॉर योर कंप्यूटर सच एज योर इंटरनेट कनेक्शन और द वॉल्यूम लेवल। यस स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में नोटिफिकेशंस जो होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, वॉल्यूम लेवल। ये मैंने आप सभी को बताया, ये देखिए यहाँ ये वॉल्यूम लेवल है, इस वॉल्यूम लेवल को हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट करके इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होता है, यहाँ पर हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी का ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। हमें अगर अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करने होंगे? आंसर इज टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड एंड चूज पर्सनलाइज। हमें सबसे पहले बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज चूज करना है, सेटिंग बॉक्स डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपीयर हो जाता है। स्टेप 2, क्लिक ऑन बैकग्राउंड इन द लेफ्ट पेन। हमें बैकग्राउंड पर क्लिक करना है लेफ्ट पेन में। स्टेप 3, क्लिक ऑन एरो लोकेटेड बिलो इन द बैकग्राउंड ऑप्शन इन द राइट पेन, सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमें क्या करना है, जो एरो लोकेट होगा हमें बैकग्राउंड ऑप्शन के राइट पेन में, वहां से पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, पिक्चर ऑप्शन को जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें मिलता है। स्टेप 4, सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द डिस्प्ले। जो डिस्प्ले हमारे सामने है वहाँ से कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें लगता है कि हमें इसको बैकग्राउंड पर लगा देना चाहिए। स्टेप 5, अ प्रीव्यू ऑफ द डेस्कटॉप विद द सेलेक्टेड पिक्चर्स अपीयर्स इन द विंडो। आफ्टर चूजिंग अ पिक्चर द बैकग्राउंड विल चेंज ऑटोमेटिकली। जैसे हम पिक्चर को चूज कर लेते हैं तो बैकग्राउंड अपने आप चेंज हो जाता है। तो देखिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये हमारे सामने हमारा बैकग्राउंड है और यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा। तो इसको चेंज करने के लिए देखिए आप सभी देख पाएंगे कि मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ और पर्सनलाइज ऑप्शन यहाँ पर आता है, इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर्सनलाइजेशन में बैकग्राउंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बैकग्राउंड पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ड्रॉप डाउन एरो हमारे सामने खुल गया। यहाँ पर पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड शो, विंडो स्पॉटलाइट, ये ऑप्शन हैं। तो हमें पिक्चर को सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स हमारे सामने हैं। तो हम यहाँ से किसी भी पिक्चर को यहाँ से चूज कर सकते हैं और उस पिक्चर को अप्लाई करा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से जैसे मैंने इसको चूज कर लिया, अब यही
पिक्चर हमारा इस पे अप्लाई हो गया होगा। आप देख सकते हैं मेरा जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। अब से कुछ ही देर में आपके सामने देखिए डिस्प्ले हो गया है। लेट्स लर्न पेंट 3D चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। सबसे पहले विच बटन इज यूज टू क्लोज पेंट 3D। अगर पेंट 3D को क्लोज करना है तो हमें कौन से बटन का यूज करना होता है? आंसर इज क्लोज बटन। क्वेश्चन नंबर 2, विच टूल डिस्प्ले द 2D शेप्स लाइब्रेरी। कौन सा टूल ऐसा है जो 2D शेप्स लाइब्रेरी को डिस्प्ले कराता है? आंसर इज 2D शेप्स। क्वेश्चन 3, विच टूल डिस्प्लेज ऑप्शन लाइक ओपन 3D लाइब्रेरी और 3D ऑब्जेक्ट्स? आंसर इज 3D शेप्स टूल। कौन सा टूल हम यूज करते हैं 3D लाइब्रेरी या 3D ऑब्जेक्ट्स को ओपन कराने के लिए? आंसर इज 3D शेप्स टूल। क्वेश्चन नंबर 4, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू रिवर्स द एक्शन इन पेंट 3D? इसका मतलब है कि पेंट 3D में एक्शन रिवर्स कराने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट हम यूज करते हैं? आंसर इज Ctrl+Z। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 डायमेंशंस डिस्प्ले इन 2D शेप्स। तो हम 2D शेप्स को डिस्प्ले कराने के लिए जो 2 डायमेंशंस का यूज करते हैं उसका नाम बताएं। तो आंसर इज लेंथ एंड ब्रीथ। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ पेंट 3D विंडो। यहां पर हमें पेंट 3D विंडो के 3 कंपोनेंट्स बताने हैं। तो आंसर में हमने लिखा हुआ है टाइटल बार, मेन्यू एंड कैनवास। These are the main components. Question number 2, write steps to add 2D text. अगर हम 2D text add कराना चाहते हैं तो क्या step follow करेंगे? Answer is to add 2D text, follow the given steps. अगर हमें 2D text को add कराना है तो कुछ step follow करने होंगे। जैसे step 1, click on text tool on toolbar. सबसे पहले हमें text tool पर click करना होगा toolbar पर. It replaces the right side panel with text option. स्टेप 2, क्लिक ऑन 2D टेक्स्ट ऑप्शन। यानी सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2D टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर 3, चूज एनी फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज, अलाइनमेंट, व्हाट यू वांट फॉर योर टेक्स्ट। जो अपने टेक्स्ट के लिए आप चूज करना चाहते हैं यहाँ से स्टाइल, कलर, साइज, अलाइनमेंट, वो सब यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्टेप 4, क्लिक ऑन द कैनवास यू वॉन्ट टू टाइप, टेक्स्ट बॉक्स अपीयर, टाइप द टेक्स्ट। आप कैनवास पर क्लिक करेंगे और जहां पर आप टाइप करना चाहते हैं वहां आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा और आप टाइप करेंगे टेक्स्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो ऑप्शन है इसको मैं आपको दिखाता हूं। पेंट 3D एप्लीकेशन को ओपन करके यहां मैं आपको शो करता हूं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं पेंट 3D। पेंट 3D को मैंने ओपन किया, न्यू पर हमने क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पर आप 2D शेप्स में जाता हूँ मैं यहाँ पर, और टेक्स्ट यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट पर मैं जब यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये 2D टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक किया हमने, यहाँ से हम इसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं जो भी हमें फॉन्ट चाहिए। ये फॉन्ट यहाँ पर वेरियस टाइप्स के अवेलेबल हैं। यहाँ फॉन्ट साइज भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं इसका, और ये कलर हो गया, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किसी को भी अप्लाई किया जा सकता है, ये अलाइनमेंट हो गया। और यहाँ कैनवास पर जाकर के जब हम यहाँ पर माउस से ड्रैग करते हैं देखिए हमारे सामने टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। इसके अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिलहाल इसका साइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ टाइप हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर, तो बच्चों मैंने यहाँ पर 2D टेक्स्ट में जा करके और अपने इस टेक्स्ट को टाइप कर दिया है। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। राइट स्टेप्स टू क्रिएट 3D शेप्स। हम 3D शेप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उनके स्टेप्स हमें बताने हैं। आंसर इज टू क्रिएट 3D शेप फॉलो द गिवन स्टेप। अगर हम 3D शेप्स को क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1,
क्लिक ऑन द 3D शेप्स टूल इन द टूल बार, हमें टूल बार में जाकर 3D शेप्स पर क्लिक करना होगा और इट विल रिप्लेस द ब्रशेस ऑप्शन ऑन द साइड पैनल। ये क्या करेगा, साइड पैनल पर ब्रशेस ऑप्शन को हमें रिप्लेस करके दिखा देगा। स्टेप टू, क्लिक ऑन द शेप यू वॉन्ट टू ड्रॉ इन 3D ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन, और हमें उस शेप पर क्लिक करना होगा जिसे हम ड्रॉ करना चाहते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन। स्टेप थ्री, मूव द माउस पॉइंटर टू द कैनवास, सेम वही काम करेंगे जो भी हमने किया, कैनवास पर जाएंगे, माउस पॉइंटर को मूव कराएंगे, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ द शेप, और हम पॉइंटर को जैसे ही ड्रैग करेंगे वो शेप ड्रॉ होने लगेगी। स्टेप फोर, यू सी अ 2D शेप ड्रॉन विद 4 हैंडल्स अराउंड द शेप, आप क्या देखेंगे, 2D शेप ड्रॉ हो गई है और उसके चारों हैंडल्स दिखाई देंगे। रोटेट द शेप यूजिंग द रोटेशन हैंडल्स टू सी द 3D पैड्स, हमें क्या करना होगा, शेप को रोटेट करना होगा रोटेशन हैंडल्स का यूज करके अगर हम 3D पैड्स को देखना चाहते हैं। तो आइए बच्चों हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली इसे। इसे मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है और फिर से हम पेंट 3D जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेंगे। ये पेंट 3D एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया और न्यू पर हमने क्लिक किया। यहाँ जाकर हम इस 3D शेप्स ऑप्शन में जाते हैं और 3D शेप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनमें से हम किसी भी 3D शेप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके उसे हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने इसी को हमने यहाँ से क्लिक कर लिया, आप देख रहे हैं ये इस तरह की शेप हमारे सामने ड्रॉ हो गई है और इसके चारों ओर आपको रोटेशन हैंडल भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें यहाँ जो रोटेशन हैंडल है जब हम इनको मूव कराएंगे यहाँ से पकड़कर, तो इस तरह से हमें हमारी शेप जो है ये 3D शेप में रोटेट होती हुई दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 3D इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ये सब कर लेते हैं इसमें। और आज मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर 1, 2, 3 ऑल क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पर नीड है हर क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिकली सॉल्यूशन भी आपको समझा दिया है, जिससे कि आप UT1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। आपने समझ लिए हैं तो अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे आप। सो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।